कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई है मेरी अध्यक्षता में, जिसमें माननीय जगत सिंह नेगी जी हमारे राजस्व मंत्री और श्री रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री, हम तीनों ने आज विस्तृत रूप से चर्चा की है कि जो हमारे घोषणा पत्र में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लोगों को हम सरकारी क्षेत्र में जो है वो नौकरी देंगे, उस सिलसिले में हमारी मीटिंग फरवरी में हुई थी और आज सेकंड मीटिंग हुई है जिसमें हमने डिटेल्स मंगाई थी कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं और किस किस कैटेगरी के पोस्टें हैं और रेगुलर कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं, आउटसोर्स पे कितने हैं, तो वो विस्तृत जानकारी जो है हमें जो है आज हमको मिली है। और कोई राउंड अबाउट पोस्टें हैं वो लगभग 70,000 पोस्टें के करीब खाली पड़ी हुई हैं, 70,000 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और जो सेंक्शन पोस्टें हैं वो लगभग कोई 3 लाख के करीब पोस्टें हैं, अलग अलग कैटेगरीज की है, इसमें सब और कैटेगरीज को अगर मिला दिया जाए तो 3 लाख के करीब पोस्टें पड़ी हुई हैं। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी डिटेल आई है, कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स का नहीं आई है, डिटेल नहीं आई है, तो आज हमने विस्तृत रूप से किया है। और उसमें से हमने ये भी जानकारी प्राप्त की है कि पिछले 5 सालों में कितनी रिक्रूटमेंट हुई थी, पिछले 5 सालों में जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2018 से लेकर के 20/1/2023 तक 2,375 रिक्रूटमेंट हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और 1,097 जो है वो पेंडिंग है पब्लिक सर्विस कमीशन में। और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट पिछले 5 सालों में हुई है वो 15,706 की हुई है। तो हमने एक आंकड़ा जो लगाया है उसमें हमने स्टडी किया कैबिनेट सब कमेटी ने, तो उसमें एक मोटी सी बात ये हमको आई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत स्लो है और ऑन एन एवरेज जो है वो 450 से 500 की रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक साल में कर पाता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होगा, एडवर्टीजमेंट होगी, अप्लाई करेंगे, फिर रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न के पेपर्स भी चेक होंगे और फिर वो वायवा होगा, एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। और देखो हमारे पास जो दो प्रोजेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक हमारे बल्क ड्रग पार्क है और दोबारा हमारा है मेडिसिनल डिवाइस पार्क नालागढ़ में। जो बल्क ड्रग पार्क में हमारी जो है वो हमने 2200 करोड़ के MOU साइन कर लिए और वैसे उसकी जो टेंटेटिव कॉस्ट है वो 1950 करोड़ के करीब है, मगर उसकी जो कीमत है जो हमें लग रहा है कि वो इट विल इंक्रीज और वो लगभग 2500 करोड़ तक चली जाएगी। जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क है उसका फर्स्ट फेज का काम जो है हमने 80% जो है वो कर लिया है और अब हम वहां पे जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी है, रोड है और बिल्डिंग्स है, वो हमने उसके टेंडर जो है वो कर दिए हैं। जो बल्क ड्रग पार्क है, बल्क ड्रग पार्क में भी जो है हमने एनवायरमेंटल कंसल्टेंट है उसको भी हमने हायर कर लिया है और भी टेंडर्स हमने किए। हमने IPH डिपार्टमेंट को हमने पैसा जो है 30 करोड़ के 10 ट्यूबवेल लगेंगे उसमें, हमने IPH डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है। बिजली की 120 KV की लाइन आएगी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा है कि हमको जो है वो आप एस्टीमेट प्रोवाइड करें। अब रोड जो है वो उसको 18 किलोमीटर रोड जो है वो हमने उस रोड को जो बल्क ड्रग पार्क के लिए हमने एक्वायर भी करना है और हमने एक नेशनल हाईवे की 2 लेन की रोड को भी बनाना है, तो सारे का सारा प्रोसेस हमने जो है तेजी कर दी और समय समय पर जो है एक हमारी हाई पावर कमेटी मेरी अध्यक्षता में बनी हुई और उसकी समय समय पर हम मॉनिटरिंग करते हैं। निचले लेवल पर एक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें हम कर रहे हैं, तो हम हर 15 दिन में और महीने में जो है इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। डिस्कशन नहीं, हम कमेटी जो कहते हैं ना, कल तो हम सिर्फ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां में तेजी कैसे लाए और किस प्रकार का प्रोसेस हो जिसमें तेजी लाई जाए उस पे हम कर रहे हैं। अभी तो हमारी सब कमेटी जो हमें वो हम अपनी हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल रिपोर्ट्स कैबिनेट को देते रहेंगे, अभी हमने प्रायोरिटी के आधार पे हमने शिक्षा विभाग को लिया है। 400 से 500 ऑन एन एवरेज होती है। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में भी अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़ा लें तो ऑन एन एवरेज 3,000 के आसपास ही रिक्रूटमेंट पब्लिक हमीरपुर सर्विस बोर्ड ने की है 3,000। तो एक साल में जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो 3,500 से ज्यादा नहीं हो पा रही हमारी दोनों एजेंसी को अगर करें। तो आज कैबिनेट सब कमेटी ने भी ये
बहुत गहराई से जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया है कि जो प्रोसेस है इसको स्पीड अप कैसे किया, और विशेष करके आज कैबिनेट सबकमिटी ने जो है वो चिंता जाहिर की है, विशेष करके जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कॉलेजेस हैं चाहे स्कूल्स हैं, क्योंकि अब उनका एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू हो गया है, और हार्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में जो है आज बहुत सारी जो पोस्टें स्कूलों में टीचरों की खाली पड़ी हैं। आज हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंस्ट जो तुरंत जो है जहाँ स्कूल में है नहीं, खास करके चंबा है, कांगड़ा है, कांगड़ा के हार्ड एरियाज है, शिमला है, सिरमौर है, मंडी है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर जो है यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, इनमें तुरंत कैसे हमने कार्रवाई की है उस पर हमने विस्तृत किया, और हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं इन एरियाज के लिए, पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। और आज तो हमारा डिस्कशन जो नहीं हुआ क्योंकि एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं थे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं थे और सेक्रेटरी लॉ नहीं थे, तो कल हमने दोबारा से 10:30 बजे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलॉन्ग विद सेक्रेटरी लॉ को हमने 10:30 बजे कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाया है, ताकि हम कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेंक्शन पोस्टें अगर हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी को मिला लें तो मेरे ख्याल लगभग 1,12,000 के जो है सेंक्शन पोस्टें हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा लगता है खाली है अराउंड अबाउट 20,000 के करीब, 18,000 से 20,000 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी है। तो हम तुरंत जो है एक पॉलिसी बना करके कैबिनेट सबकमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करके कल विस्तृत डिस्कशन करके और हम उसको कैबिनेट को तुरंत देंगे, ताकि एक डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि तो ये करुणा मूल आधार पे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, पूर्व सरकार ने जो करुणा मूल आधार पे जो बच्चे हैं उनको बहुत सारे पेंडेंसी 5 साल तो इन्होंने किया ही नहीं, लास्ट में भी जो आखिर में उन्होंने जो है वो उन बच्चों को डेली वेजेस पे लगाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को डेली वेजेस पे लगाया है, रेगुलर बेसिस पे उन्होंने करुणा मूल आधार के बच्चों को नहीं लगाया है। तो अभी वो हमारे डिस्कशन में ये वाला इशू हमारे नहीं आया है, मगर हम इसको जब भी हमारे आएगा तो सिंपथेटिक के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है रेगुलर बेसिस पे है और जो पुरानी जो क्लियरेंस है उसको किया जाए। बाकी तो हमने तो कैबिनेट सबकमिटी तो रिकमेंड करेगी, करना तो कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री जी ने करना है। कुछ जो डिपार्टमेंट्स में डाइंग कार्डर भी है उनको रिव्यू करेंगे, अगर हमको ऐसा लगता होगा या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता होगा कि डिपार्टमेंट को उनकी जरूरत है तो हम उनको रिव्यू भी कर सकते हैं, और अगर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज की या उस कैटेगरी ऑफ पोस्ट की जरूरत नहीं है तो उसको हम दोबारा उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे। सर, जो 5 लाख रोजगार की बात हुई है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी रखा गया है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है और कौन कौन से सेक्टर है जिसमें रोजगार को लेकर सुधार को लगता है कि नहीं? देखो हमने ठीक है हमने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम देंगे, मगर वो हमने प्राइवेट सेक्टर में कहा, हम तो सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 1 लाख की बात की थी हमने, और 1 लाख के लिए मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट सबकमिटी बनाई और कैबिनेट सबकमिटी गंभीरता से विचार कर रही है। अब जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में तो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, जो है इसमें हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज में हम जो है वो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश प्रयास कर रहे हैं, उद्योग अगर आएगा तो वो नौकरियां भी देगा और हमको रेवेन्यू भी देगा, हम कर रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार का कार्यकाल 4 महीने भी नहीं हुआ है, तो मतलब वी आर वर्किंग ऑन इट। चर्चा हुई, जगत सिंह नेगी जी ने भी कहा, रोहित ठाकुर जी ने भी कहा कि भाई जो हार्ड एरियाज है, कठिन एरियाज है, कई स्कूलों में एक अध्यापक है, कईयों में साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स की स्ट्रीम खोली गई है मगर वहाँ एक भी टीचर नहीं है, और बच्चों को शहरों में जो है वो शिक्षा साइंस पढ़ने के लिए या कॉमर्स पढ़ने के लिए जो है वो शहरों में जाना पड़ रहा है ताकि उन पर खर्चा पड़ रहा है, और अमीरों के बच्चे तो चले जा रहे हैं मगर गरीबों के बच्चे जो है वो शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, और क्योंकि हमने स्कूल तो खोल दिए हैं मगर हम टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने विस्तृत रूप से इस विषय पे चर्चा की है, और बाकी कुछ और क्वेरीज थी, कुछ और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जानकारी थी वो हमने आज ऑफिसर्स को कहा है कि भी वो हमको 2-3 मीटिंग में वो प्रोवाइड करें, और हम इस ओर जो है वो हम कर रहे हैं।